हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। क्या आप जानते हैं हम कहां पर पहुंच चुके हैं? फिलहाल हमारा प्लान था कि हम दिल्ली में कई जगह एक्सप्लोर करेंगे, विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे। अभी हम बहुत थक चुके हैं, जामा मस्जिद से आए हैं हम। ऑलरेडी जामा मस्जिद पर हमने बहुत व्लॉग भी बनाया है, हम काफ़ी मार्केट वगैरह में भी घूमे हैं और काफ़ी एक्सप्लोर करा, बहुत अच्छे से विज़िट करा हमने जामा मस्जिद। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया गेट का बेहतरीन और शानदार नज़ारा। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, फिलहाल हम जहाँ पर चल रहे हैं बिल्कुल इंडिया गेट के सामने वाली सड़क है, इसे कर्तव्य पथ कहते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रोग्राम भी होते हैं और इस सड़क को इतनी अच्छे से बनाया गया है और यहाँ पर इस तरह का ख्याल रखा गया कि यहाँ पर ग्रेनाइट का भी कोई पत्थर नहीं लगाया जिससे कोई फिसल जाए। वेल, लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। जब हम इंडिया गेट आए हैं मेट्रो स्टेशन से, जब जस्ट बाहर आए और हमने ऑटो वाले से पूछा कि इंडिया गेट जाना है, तो उन्होंने हमें बताया कि 80 रुपये लगेंगे। लेकिन जैसे ही हमने रोड को क्रॉस किया, इंडिया गेट सामने ही था। तो आपके साथ ये बहुत फ्रॉड होता है कि आप कहीं भी जा रहे हैं दिल्ली के अंदर और सामने वालों को पता है कि आप नए आए हैं, तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। इसलिए इस चीज़ से बच कर रहें। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इंडिया गेट घूमने आएंगे तो आप सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन पर आएँ और जस्ट रोड क्रॉस करते ही आपको इंडिया गेट नज़र आ जाएगा। तो मैं, आप बने रहें वीडियो में, ये जानकारी आपको देनी बहुत ज़रूरी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा इंडिया गेट का बेहतरीन और ख़ूबसूरत नज़ारा है। ये देखें, ये अभी आपको दिख रहा नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है अभी, और ये मेरा फ्रेंड है काशिफ, हम दोनों अभी साथ आए हैं। यहाँ पर आप देखें कितना बेहतरीन एनवायरनमेंट है, कैसे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, साफ़ सफाई का कितना ख्याल रखा जाता है। वेल गाइस, बहुत थक चुके हैं इतना चलने के बाद, एटलीस्ट फाइनली हम इंडिया गेट पर पहुंच चुके हैं। हम बिल्कुल इंडिया गेट के सामने ही हैं, बिल्कुल इंडिया गेट के पास हैं। लेकिन उससे पहले आप देखें ये कितना बेहतरीन सा यहाँ पर मॉन्यूमेंट है, ये फाउंटेन्स यहाँ पर लगा रखे हैं जगह जगह। पहले ये कर्तव्य पथ से जुड़े हुए कुछ झील सी बना रखी हैं, यहाँ पर नाव वगैरह भी चलते हैं। अभी पता नहीं नाव वगैरह होंगे या नहीं, हम देखेंगे ज़रूर। इंडिया गेट है और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ का ये नज़ारा है। देखें आप सामने, यहाँ पर भी फूल लगा रखे हैं। मेरे ख्याल से इंडिया गेट पर फूल पौधे और हरियाली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं नीचे इंडिया गेट और अब आप देख सकते हैं ये है इंडिया गेट, कितना बेहतरीन सा लगता है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया गेट का निर्माण फरवरी 1921 से लेकर फरवरी 1931 तक किया गया था। दोस्तों सबसे ख़ास और अहम बात यह कि इंडिया गेट उन शहीदों की याद में बनाया गया है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सेना के लिए हमारे नौजवान लड़े थे 1914 से लेकर 1921 तक, उन सभी की याद में इसको बनाया गया है। आप देखते रहें कितना खूबसूरत सा यहाँ का नज़ारा है, हम आपको आगे भी दिखाएंगे, आप वीडियो में लास्ट तक बने। ये आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है, आप अगर यहाँ घूमना आएंगे तो बेशक आपको बहुत अच्छा लगेगा। गाइस ये करीब से आ नहीं रहा था पूरा कैमरा में, इसलिए हम थोड़े से दूर आ गए। सूरज की किरणें इस पर पड़ रही हैं तब तो ये और ज़्यादा चमक रहा है और ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। वैसे दोस्तों ये 42 मीटर ऊँचा है, इंडिया गेट की ऊँचाई 42 मीटर है। गाइज यहाँ देखें आप ये फूल और ये फुहारे, कितने बेहतरीन है यहाँ के नज़ारे।
ओ फाइनली ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा इंडिया गेट तो दिखा दिया है, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ दो तीन चीज़ें और बताना चाहता हूँ। 1914 से लेकर 1921 तक लगभग 84,000 सोल्जर्स शहीद हुए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उन सभी के नाम आप इंडिया गेट पर मेंशन देख सकते हैं, इंडिया गेट की दीवार पर यहाँ पर उन सभी के नाम लिखे हुए हैं। वीडियो को एंड करने से पहले उन शहीदों के नाम ज़रूर दिखाऊंगा जूम करके, आप सभी जब यहाँ पर आएंगे खुद भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जो भी वो शहीद हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उन सभी शहीदों के नाम सोल्जर्स के नाम यहाँ पर इंडिया गेट पर मेंशन है। बाय द वे अब हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ऑलमोस्ट बहुत थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा विजिट कर लिया, चारों तरफ देखे कुछ ही, लेकिन हमने पूरी कोशिश की आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर कराने की, सभी चीज़ें अच्छे से दिखाने की। फिर मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।